महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कर्फ्यू का ऐलान, 36 घंटे तक घरों में कैद रहेंगे लोग। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने वर्धा जिले में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कोरोना केस के बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने अचानक ही स्कूल कॉलेज को आगे अगले आदेश तक बंद करने का दिया आदेश। रविवार को द्वारका और जनकपुरी वेस्ट रूट पर नहीं चलेगी मेट्रो, डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। राहुल गांधी की सभा के लिए मस्जिदों से ऐलान, अब फतवे से जुटेगी रैली में भीड़। योग गुरु रामदेव ने पतंजलि के कोरोना की नई दवा लॉन्च की। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस पर किया हमला, दो पुलिसकर्मी हो गए शहीद। एलपीजी की जगह इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग पर मिले सब्सिडी, गडकरी ने की सरकार से मांग। बेंगलुरु में बना देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल। बाबा रामदेव ने लंच की कोरोना की नई दवा कोरोनिल, गडकरी बोले चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। सोना अब 46,000 रुपए के नीचे फिसल गया है, ये लगातार छठा दिन है जब सोने में लगातार गिरावट का दिन आया है। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल 90 के पार, साल भर में 18 रुपए बढ़ा रेट। चाइना से तलखी के बावजूद भी आईपीएल के स्पॉन्सर बनी वीवो। अर्जुन तेंदुलकर पर उठ रहा है सवाल, अर्जुन की नीलामी होने पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है, बहन सारा ने दिया लोगों को करारा जवाब। रांची में चोरों ने एक साथ 3 टेबल में की चोरी, टिप्स की सर्च में जुटी पुलिस। देश में कानून बनाने के बाद भी जारी है अत्याचार, 2 बच्चों की माँ को फोन पर पति ने दिया 3 तलाक। उन्नाव कांड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार किया गया, छानबीन में तब्दील हुआ पूरा गांव। आईओसी इंजीनियर ने की आत्महत्या, मौके से मिली सुसाइड नोट। घर में घुसकर कर रहा था महिलाओं से छेड़छाड़, जब कर धुना गया मनचला होमगार्ड, महिला ने उसके खिलाफ किया FIR। बॉलीवुड सितारों पर चढ़ा पावरी हो रही वीडियो का फीवर, दीपिका से लेकर शाहिद कपूर तक ट्रेंड में हो गए हैं शामिल। KGF स्टार यश के फैंस ने किया सुसाइड, एक्टर और सिद्धार्माही के खिलाफ छोड़ गया खास संदेश। हिना खान ने अपनी अदाओं से लूटे लाखों लोगों के दिल, पर्पल लहंगे में लगी बेहद ही खबर। अभिनव शुक्ला ने फिनाले से पहले ही की पावरी यानी पार्टी, रुबीना दिलैक को बताया विनर। जगन्नाथ दर्शन करने पहुंची कंगना रनौत ने कर दी एक बेहद ही बड़ी गलती, बिना मास्क के पहुंची मंदिर, फैंस बोले मास्क कहां है मैडम। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया लाइव।